हेलो गाइस, तो गाइस मैं एक बार फिर से आ चुका नई वीडियो लेकर। तो गाइस आपने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे मैंने अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड को घर से भगाया, फिर उन दोनों की शादी करवाई। शादी तो यार जैसे तैसे हो गई, लेकिन उसके बाद लड़की का बाप भी कोर्ट में आ गया था। उसको मैंने कैसे तैसे समझा के उनका घर बसवा दिया और उसने मुझे पैसे भी भेज दिए। और फिर यार रात को छोटी मोटी पार्टी करके मैं सो गया और अब सीधा मेरी आंख खुल रही है और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। अभी तक तो यार मुझे कोई कॉल नहीं आया काम से और मैं आज चाहता भी नहीं काम करना। मैं सोच रहा हूँ यार आज हमने जो फॉर्चून लो भाई, अभी बात कर ही रहे थे फोन के बारे में और फोन आ गया, देखते हैं किसका फोन है। हेलो, हाँ टोनी चोर बोल रहा हूँ, पर ये तो डबल काम है सेठ, तो रोकड़ा भी डबल लगेगा। काम कैसा भी हो सेठ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस रोकड़े से मतलब है। काम हो जाएगा पर मेरा पैसा मुझे कहाँ मिलेगा? ठीक है, सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सअप कर दो। पर बिना व्हाट्सअप के मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? और दूसरे वाले को? ठीक है, हो जाएगा, मैं काम करके तुम्हें मिलता हूँ सीधा तुम्हारे अड्डे पे। तो यार फोन आया एक सेठ का और उसने मुझे अपना नाम तो नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे काम जरूर बताया कि मुझे क्या करना है। मुझे उसका माल एक बंदे से लेना है और दूसरे बंदे को जाकर देना है। काम तो यार ये ज्यादा देर का नहीं है, लेकिन मैंने बताया था मेरा आज काम करने का मन नहीं था, लेकिन इसमें पैसे मुझे डबल मिल रहे थे तो मैंने उसको हाँ बोल दिया। कपड़े यार मैंने बदल लिए हैं क्योंकि 2-3 दिन से वही पहने हुए थे, अब तो मुझे उसमें से बदबू आने लगी थी। और अब अपना बैग ले लेते हैं क्योंकि वो बैग होना बहुत जरूरी है। अब उसको जो सामान देना है एक बंदे से लेके, वो कोई सामान कोई आम सामान तो होगा नहीं, मुझे जो फोन कर रहा है वो ऑब्वियसली कुछ बहुत ही रिस्की सामान होगा, तो कभी भी जरूरत पड़ सकती है हमें भागने की या हमें कोई भी पंगा पड़ सकता है रस्ते में। जैसा आपको पता है कि मेरा काम थोड़ा उल्टा ही है, तो बैग मेरे पास होना बहुत जरूरी है। बैग हमने ले लिया, अब हम निकलते हैं और जितनी जल्दी काम खत्म करेंगे उतना जल्दी वापस आएंगे। तो यार अब हमें जाना है सबसे पहले मारिया बीच, जहां हमें एक बंदा मिलेगा और वो हमें माल देगा। उससे माल लेके फिर हमें शहर से बाहर जाना है, एक टापू है, वहां पे हमें दूसरा बंदा मिलेगा जो हमसे वो वाला माल लेगा। तो बस यही आज का हमारा काम है, उसके बाद हम सीधा सेठ से मिलेंगे, अपना रोकड़ा लेंगे और अपने घर वापस आ जाएंगे। पर यार मुझे आप लोगों की एक एडवाइस चाहिए। मैंने लास्ट एपिसोड में गाड़ी तो ले ली, लेकिन मेरा घर बहुत गंदा है और बहुत ही मतलब बाहर को है, बस में मैं रहता हूँ। तो मुझे ये चीज जरूर बताना कमेंट में कि मुझे अपना घर चेंज करना चाहिए, मतलब शहर में लेना चाहिए या फिर यहीं पे ठीक है। क्योंकि यार मैंने पिछली बार गाड़ी ले ली थी तो मुझे कमेंट्स में बहुत लोगों ने बोला कि भाई आपको दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बार घर लेने से पहले मैं आप लोगों से पूछ लूं कि भाई कहां घर लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार बातों बातों में मैं तो पहुंच चुका हूं मारिया बीच और यहां पे तो काफी भीड़ है क्योंकि अभी धूप निकली हुई है और इस समय यहां पे बहुत रश रहता है। लेकिन उसने मुझे बताया था कि बिल्कुल लास्ट में जाके एक रेड कलर की गाड़ी में रेड शर्ट में बंदा खड़ा होगा, उससे हमें माल लेना है। मुझे लगता है यार हम लोग लेट हो चुके हैं क्योंकि वो गाड़ी भी खड़ी है और वो बंदा भी सामने खड़ा है। पर यार सच पूछो तो ये लोकेशन बहुत ही कमाल की है, मतलब उसने ऐसी जगह चुनी है, सामने पूरा जो है ना समुद्र है, पीछे जो है इतने सारे बंदे हैं, मतलब कोई भी ये नहीं सोच सकता कि यहाँ पे ऐसी डील हो सकती है। खैर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि कोई हम पे शक नहीं करेगा, अपन अपना माल लेते हैं और चलते बनते हैं। तो यार उस बंदे ने मुझे सीधा माल दिया, मेरे से गले मिला और चलता बना। और भाई वो जिस गाड़ी में आया हुआ था मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैं यही सोच रहा था कि यार काश मैंने फॉर्चूनर ना लेके ऐसी कोई गाड़ी ले ली होती। खैर कोई बात नहीं भाई, पैसा बहुत है टोनी चोर के पास, तो अपन एक ऐसी गाड़ी भी ले लेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। अब फिलहाल हमारे पास माल आ चुका है, अब ये माल हमें जाकर देना है शहर से बाहर एक टापू पे। पहले तो यार मैं ये सोच रहा था कि मैं एक बार ये पुड़िया खोल के देख लेता हूँ कि इसके अंदर है क्या, क्योंकि जो माल मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ मुझे ये नहीं पता कि इसमें है क्या। लेकिन फिर भाई मैंने ये सोचा कि मुझे इससे क्या लेना देना, मेरे को बस पैसा मिल रहा है, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो यार शहर के बाहर मैं आ चुका हूँ और सच पूछो तो ये लोकेशन भी बहुत कमाल की है। अब यार यहाँ हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जाके टापू पे खड़े हो जाना है और बंदा अपने आप मेरे पास आएगा और अपना माल ले जाएगा। कितना आसान काम है यार ये। पर यार मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इतने आसान काम के लिए वो मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गया। लगता है यहाँ हम कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच गए, क्योंकि यहाँ मुझे दूर दूर तक कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा है। तो यार यहाँ अपने को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने बोला तो बंदा आएगा तो जरूर। तो यार जैसे ही मैं वहां जाके खड़ा हुआ, मैंने सामने देखा तो एक बंदा दूसरे टापू पे मछलियां पकड़ रहा था। मुझे लगा यार अगर मुझे पता होता तो मैं भी एक फिशिंग रॉड ले आता, तो रात के खाने का इंतजाम तो यहीं से हो जाता। तो यार इतने में मैंने सामने देखा तो एक सामने से बोट आ रही थी जिसके अंदर 2 बंदे बैठे हुए थे और वो लोग मेरे पास ही आके रुक गए। तो मैं समझ गया था कि शायद ये माल इन्हीं को देना है। तो वो बंदा उतरा और सीधा टापू पे मेरे सामने आके खड़ा हो गया। तो वो पहले तो मुझे कुछ देर देखता रहा, मुझे देख के हंसता रहा, उसके बाद उसने मुझसे माल लिया, सीधा बोट में बैठा और चला गया। मेरे दिमाग में तो यार यही चल रहा था कि इतना आसान काम मैंने जिंदगी में पहली बार किया है। मतलब मैं हर बार जाता हूँ कुछ ना कुछ पंगा पड़ता है, आप लोगों ने देखा कि कैसे गन्स वगैरह चलती हैं, लोगों की जाने जाती हैं, मेरी जान को कितना खतरा होता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यार मैं तो बहुत खुश था कि इतने कम काम के लिए मुझे आज इतने सारे पैसे मिलने वाले हैं, मतलब डबल पैसे मिलने वाले हैं। तो यार अब टाइम था उस सेठ के पास जाने का, जो कि उसने मुझे बताया था कि कोई चिकन शॉप है वहां पे वो मुझे मिलने वाला है और मेरा पैसा वहीं वो मुझे देगा। और भाई तभी एकदम से एक पुलिस वाला मेरी बाइक के आगे आगे खड़ा हो जाता है। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसने गन मेरे ऊपर पॉइंट की हुई थी और मेरे हाथ में कोई भी गन नहीं थी। भाई मुझे समझ आ गया था कि जिस काम को आज मैं सबसे आसान समझ रहा था वो शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल काम है। उस पुलिस वाले
ने मुझे सीधा वार्निंग दे दी थी कि अगर मैंने ज़रा सी भी भागने की कोशिश करी तो वो मुझे गोली मार देगा। अब मेरे पास और कोई चारा नहीं था कि जैसा जैसा पुलिस वाला कह रहा था मुझे वैसा वैसा करना पड़ा। उसने बोला हाथ ऊपर करो, सीधा गाड़ी में बैठो। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि पुलिस वाले की नज़र मेरे से ज़रा सी हटे तो मैं अपना बैग खोल के उसमें से गन निकालूं, लेकिन वो बंदा मेरे से नज़र हटा ही नहीं रहा था। वो मेरे पे गन पॉइंट करके बैठा था और लगातार वो मुझे वार्निंग दिए जा रहा था कि अगर मैं ज़रा सा भी हिला तो वो मुझे गोली मार देगा। तो यार मैं समझ गया था कि आज मेरी जान को बहुत तगड़ा पंगा पड़ चुका है और अब यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। मैं अभी ढंग से सोच भी नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो गया और वो मुझे ले गया जेल में सीधा। पर यार एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी वो ये आ रही थी कि इस डील के बारे में सिर्फ मुझे पता था और उस सेठ को पता था, हमारे अलावा किसी तीसरे बंदे को ये बात पता तक नहीं थी। तो ये बात पुलिस तक पहुंची कैसे? लेकिन अब सबसे ज्यादा टेंशन की बात थी कि ये कोई मुझे छोटी मोटी जेल में नहीं लेकर आया था, ये शहर की सबसे बड़ी स्टेट प्रिजन में मुझे लेकर आया था। मतलब यहाँ से भागने की तो मैं सोच भी नहीं सकता। मेरा तो यार दिमाग काम करना बंद कर गया था। मतलब उस जेल के अंदर जाने के लिए हमारे को एक बार गाड़ी चेंज करनी पड़ी, तो सोचो भागने की तो बंदा सोच ही नहीं सकता। और अभी तो यार मेन चीज ये थी कि मुझे यही नहीं पता था कि ये मुझे जेल में बंद करने ले जा रहे हैं या मेरा एनकाउंटर करने ले जा रहे हैं। मैंने तो सोच लिया था यार कि मेरा काम हो चुका है, ये लोग मुझे मेरा फोन यूज करने नहीं दे रहे हैं, मेरे हाथ मुझे हिलाने नहीं दे रहे हैं, तो मैं किसी को इन्फॉर्म ही नहीं कर सकता कि मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ, मैं किसी से हेल्प नहीं मांग सकता। मैंने एक बार ट्राई भी किया कि मैं पुलिस वाले को बोला भाई थोड़ा सा पैसा ले देखे यार मुझे छोड़ दो, तो वो बोला तेरे जैसे इतने बड़े मुजरिम को जो करोड़ों का ड्रग सप्लाई करके आ रहा है उसे हम कैसे छोड़ दें। और वो मुझे यार अंदर ही अंदर जेल में कहीं ले जाता जा रहा था। और अभी भी यार मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे कपड़े, मेरा फोन, मेरा बैग, जितनी मेरे पास चीजें थी सारी मुझसे छीन ली। और उसके बाद मुझे नंगा करके एक छोटी सी चड्डी पहना के पूरे जेल में घुमाते रहे, कभी इधर कभी उधर। जहां भी मैं देख रहा था हर तरफ कैदी कैदी बंद थे वहां पर। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं यहां से कभी निकल भी पाऊंगा या नहीं, या मुझे सारी जिंदगी इसी जेल में सड़ना पड़ेगा। तो यार उस पुलिस वाले ने मुझे घुमा घुमा के एक कोने में ले जाके बंद कर दिया। और मेरी किस्मत तो इतनी खराब थी कि मेरे ही जेल के बाहर एक पुलिस वाला खड़ा था। तो यार जो पुलिस वाला मुझे यहां तक लेकर आया, मैंने उससे पूछा जाते हुए कि मैंने कहा भाई तू मुझे यहां लेकर क्यों आया, मुझे इतना तो बता कि मैंने किया क्या है। फिर उसने मुझे बताया कि उसे कॉल आया था और उसने उसको जानकारी दी है कि एक बंदा जो है ना यहां पर अभी ड्रग्स डील करने वाला है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि कितनी देर पहले तुझे कॉल आया था, तो उसने मुझे बताया ये कोई आधा घंटा पहले। अब मुझे सारी चीजें समझ में आ रही थी कि अगर मुझे कोई पकड़वाना चाहता तो वो पहले ही पुलिस को फोन कर देता जब मैंने पहले आदमी से ड्रग्स लिए थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने पुलिस को तब फोन किया जब उसके माल की पूरी डिलीवरी हो गई। तो यार मैं सारी चीज समझ चुका था, उस सेठ ने ही उस पुलिस को कॉल किया था और उस टाइम पे किया था कि उसका काम भी हो जाए और उसे मुझे पैसे भी ना देने पड़े। तो यार मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मेरे जेल के बाहर जो पुलिस वाला खड़ा था मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई मुझे एक सेकंड के लिए फोन दे दे, मैं कम से कम किसी को फोन करके ये बता तो दूं कि भाई मैं जेल में बंद हूं और मुझे मदद की जरूरत है। तो वो मुझे बोलता है कि अबे तू मुझे पागल समझ रहा है, मैं तुझे अच्छे से जानता हूं, तू टोनी चोर है, मैं तुझे फोन देके कोई अपनी नौकरी थोड़ी गवा दूंगा। और वो ये बोल के भाई वहां से चला गया। अब चीजें तो यार मुझे सारी समझ आ ही गई थी कि किसने पुलिस को फोन किया, क्यों फोन किया, मुझे सब पता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं इसके खिलाफ कुछ कर सकूं। अब तो जो होगा देखा जाएगा। तो यार अभी मैं यहां लेटा हुआ सोच ही रहा था, इतने में यार वो पुलिस वाला वापस आता है और बोलता है कि कल की मेरी कोर्ट में डेट है। तो मैं उससे बोला कि भाई तुम मुझे कोर्ट वोट ले जा रहे हो, मेरे खिलाफ केस हो चुका है, तो मैं बस सबूत क्या है कि मैंने वो ड्रग्स सप्लाई किए, क्योंकि तुमने मुझे ड्रग्स के साथ तो पकड़ा ही नहीं है, तुमने तो मुझे जाते हुए पकड़ा है। तो उसने बोला कि हमारे पास गवाह है जिसने हमारे को इन्फॉर्म किया था फोन करके, उसने खुद बोला कि मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए तैयार हूं। तो यार ये सुन के तो मेरे बचने की उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई थी। अगर उसने कल मेरे खिलाफ गवाही दे दी कोर्ट में तो मुझे शायद उम्र कैद भी हो सकती है या फिर फांसी। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि जो पुलिस वाला मेरे जेल के बाहर खड़ा है अगर मैं इसे पटा लूं तो मेरा काम बन जाएगा। मैंने उस पुलिस वाले को आवाज मारी, मैंने कहा एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन। वो मेरे पास आया, बोला क्या है? तो मैंने कहा तू मुझे जानता है ना? बोला हाँ मैं जानता हूँ, तेरा नाम टोनी चोर है। तो मैंने कहा तू ये भी जानता होगा कि मेरे पास कितना पैसा है? तो वो बोला हाँ मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तेरा धंधा दो नंबर का और तूने खूब माल कमाया है। तो मैंने उसे बोला तू मेरी छोटी सी मदद कर दे, मैं तुझे जितना पैसा बोलेगा उतना पैसा दूंगा। तो वो बोला कैसी मदद? मैंने उसे कहा मुझे फोन चाहिए। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुझे फोन दे दूंगा लेकिन एक मिनट का 1 करोड़ रुपए लूंगा। तो मैंने कहा डील डन। तो यार वो मान गया और वो अंदर आ गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर मुझे कोई बचा सकता था तो वो एक ही इंसान था और वो था फ्रैंकलिन। तो फटाफट से मैंने पुलिस वाले से फोन लिया और फ्रैंकलिन को कॉल किया। हेलो फ्रैंकलिन, मैं टोनी चोर बोल रहा हूँ, अब मेरी बात ध्यान से सुन, कोई सवाल नहीं कोई जवाब नहीं, मैं इस समय जेल में हूँ और कल मेरी कोर्ट में पेशी है, तुझे मेरे लिए काम करना पड़ेगा तभी मैं इस जेल से बाहर आ पाऊंगा। शहर से बाहर वाले चिकन शॉप पर जाना और वहाँ जो भी सेठ मिले उसे ठोक देना, क्योंकि वो मेरे खिलाफ कल गवाही देने वाला है। अब मेरी जान तेरे हाथों में फ्रैंकलिन, कुछ भी गड़बड़ मत करना और इस काम का हिसाब मैं बाहर आके करूंगा। वो सेठ शायद भूल गया था कि टोनी चोर किसी खेत की मूली नहीं है जिसे वो उखाड़ के फेंक देगा।
यार पूरी रात मुझे नींद नहीं आई क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा मच्छर थे और अभी मेरी जस्ट आंख लगने ही लगी थी कि इतने में पुलिस वाला आ गया जेल में और बोला कि भाई चलो यहाँ से, अब जो है ना तुम्हारा टाइम आ चुका है कोर्ट जाने का। और यार कल रात को जब मेरी फ्रैंकलिन से बात हुई थी फोन पे, उसके बाद मेरी दोबारा उससे बात भी नहीं हो पाई, तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है कोर्ट जाके। फ्रैंकलिन उसे मार पाया भी है या नहीं मुझे कुछ नहीं पता यार, और सच बताऊं तो आज मुझे बहुत डर लग रहा था। और फिर कुछ ही देर में हम लोग कोर्ट पहुंच गए और यार ये लोग इतने बुरे थे कि इन लोगों ने मुझे कोर्ट जाने के लिए भी मेरे कपड़े नहीं दिए भाई, मुझे चड्डी में ऐसे उठा के ले आया यार कोर्ट में भी। मतलब अपनी भी कोई इज्जत है भाई, टोनी चोर की भी कोई इज्जत है, लोग जानते हैं, रिस्पेक्ट है, पर इन्होंने यार मेरी रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी भाई। पूरी सड़क पे मेरा जना जुलूस निकाल दिया इन लोगों ने। खैर जो भी था, लेकिन मेन टेंशन अभी भी दिमाग में यही थी कि अगर वो सेठ आ गया गवाही देने तो मेरा क्या होगा। लेकिन जैसे ही मैं कोर्ट रूम में पहुंचा तो वहां जज बैठा हुआ था सामने और सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन मुझे कहीं भी वो सेठ बैठा नजर नहीं आ रहा था। तो पहले तो यार जज ने पुलिस वाले को खूब डांट लगाई कि मैं यहाँ कब से बैठा हूँ, ना तो तुम्हारा गवाह आया और ना तुम आए अभी तक, इतना लेट आ रहे हो, 10 बजे का टाइम है और 10:30 बजे तुम पहुंच रहे हो। तो यार ये सुन के तो मतलब मुझे इतनी खुशी हो गई, मतलब मुझे चैन की सांस आई यार कि यार फ्रैंकली ने शायद अपना काम कर दिया, तभी वो गवाह अब तक पहुंचा नहीं है कोर्ट। फिर यार वो पुलिस वाला जज को बोलने लगा कि थोड़ा सा टाइम और दे दो क्योंकि वो लोग आते ही होंगे, उन्होंने बोला था कि वो पक्का आएंगे गवाही देंगे, तो हो सकता है ट्रैफिक में फंस गए हो। तो लेकिन जज बहुत गुस्से में था, बोला मैं पहले इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैं 10 मिनट और देता हूँ तुम्हें, अगर वो पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो मैं केस बंद कर दूंगा। फिर मैं जान मुझ के और बोलने लगा कि सर इन्होंने मुझे कल से पकड़ा हुआ है, मेरे घर वालों को पता नहीं है, प्लीज थोड़ा जल्दी करिए। और जज को और गुस्सा आने लगा, वो भी खड़ा हो गया, बोला कि मैं अंदर जा रहा हूँ, बंद करता हूँ मैं ये केस। फिर वो पुलिस वाला भागा भागा जज के पास गया, बोला सर थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मैं उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ पर मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। तो यार मुझे तो लगा कि चलो यार अब सारी मुसीबत खत्म हो गई है, अब मैं यहाँ से पक्का छूट ही जाऊंगा। फिर इतने पुलिस वाला चालू हो गया भाई जज के सामने कि सर मैं इसको अच्छे जानता हूँ, टोनी चोर है, इसने बहुत हमारी नाक में दम किया हुआ है। तो फिर लेकिन जज ने बोला कि भाई मैं सिर्फ बातों पर विश्वास नहीं करता, कोर्ट को चाहिए सबूत, अगर तुम्हारे पास कोई गवाह है तो लेकर आओ, नहीं तो टोनी चोर को बाइज्जत बरी किया जाता है क्योंकि इसके खिलाफ किसी ने गवाही दी नहीं और इसके खिलाफ कोई सबूत पुलिस के पास है नहीं। और यार ये बात बोल के जज अंदर चला गया। वो पुलिस वाला बेचारा जज के पीछे पीछे जाता रहा, बोला सर थोड़ा सा टाइम और दे दो, थोड़ा सा टाइम और दे दो। लेकिन जज अपना फैसला सुना चुका था और तुम्हारा भाई टोनी चोर हो चुका था बाइज्जत बरी। तो फिर यार वो पुलिस वाला मेरे पास आके बोला कि भाई इस बार तो तू बच गया और अगली बार तू बच नहीं पाएगा। तो मैंने बोला भाई जैसे इस बार बचाऊ ना ऐसे अगली बार भी बच के दिखाऊंगा, मिलते हैं अगली बार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम।